तो चलिए प्रदूषण को लेकर कहां कहां क्या स्थिति है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और नोएडा से भूपेश प्रताप लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। देखिए, दिल्ली NCR और नोएडा की बात की जाए तो अभी भी प्रदूषण को लेकर स्थिति जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। लोग तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली सरकार को ही फटकार लगती हुई नजर आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दिल्ली सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर नोएडा की बात की जाए तो वहां पे हालात अभी कैसे हैं? देखिए, नोएडा की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में भी वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब एक महीने से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ा ही है। हालांकि आज थोड़ी सी यहाँ राहत है, क्योंकि आज AQI 309 के करीब है, जो कल तक 320 या 325 के पार था। लेकिन ग्रेटर नोएडा में जो AQI है वो आज भी 370 के करीब है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कम तो हुई है, लेकिन कह नहीं सकते कि इससे लोगों को राहत मिली है। देखिए, जिस तरह से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसके बाद शासन प्रशासन की तरफ से काफी इंतजाम किए गए थे, और नोएडा प्राधिकरण हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, दोनों की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी और जो निर्माण कार्य थे उन पर रोक लगाई गई थी। साथ ही डीजल जो जनरेटर है उन पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा पानी का जो छिड़काव है, जहां धूल उड़ती है ऐसी जगह पर पानी का छिड़काव भी किया गया था, वो अभी भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा कह सकते हैं वायु प्रदूषण में थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन लोगों की जो परेशानी है वो कम नहीं है। अभी भी मेरे पीछे, मैं आपको एक बार दिखाऊं तो आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बिल्डिंग है थोड़ी दूरी पर, लेकिन वो ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज भी जो पॉल्यूशन की जो घटा है विजिबिलिटी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं साफ नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं हर रोजाना जब दफ्तर आते हैं अपने अपने घरों से तो लोग परेशानियों का सामना करते हैं, और इसीलिए विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो चुकी है प्रदूषण के वजह से। भूपेश, मैं आपके पास लौटूंगी। जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, भूपेश ने तो नोएडा की तस्वीर दिखाई, नोएडा की जानकारी दी, गाजियाबाद में अभी प्रदूषण को लेकर कैसे हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद का जो प्रदूषण है उसको चार भागों में बांटा गया है, लोनी, इंद्रपुरम, वसुंधरा और संजय नगर। अगर लोनी की बात की जाए तो वहाँ जो AQI है 403 बना हुआ है। इसके बाद अगर हम इंद्रपुरम पे आते हैं, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, उसका जो है 344 के आसपास है, और वसुंधरा की अगर बात की जाए तो वो 340 के आसपास है। इसके अलावा अगर संजय नगर की बात की जाए तो वो भी 350 के आसपास ही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद की जो हवा है वो एक महीने से किस तरह की हो चुकी है, इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि अगर आप अंदाजा लगाइए, जिस तरह से कोरोना की थर्ड वेव का जो वेरिएंट माना जा रहा है, अगर वो भारत में आ जाता है और खासतौर पर गाजियाबाद में आ जाता है, तो तबाही इतनी भयंकर हो सकती है इससे कि जिस तरह से सेकंड वेव में हुआ था, क्योंकि जो कोरोना का जो वायरस है वो वेरिएंट है, वो प्रदूषण के लेवल में इस तरह से घुल जाएगा कि वो ऊपर तक जा नहीं पाएगा, जिसके वजह से ये खतरा बना हुआ है। और वहीं अगर प्रदूषण की बात करें गाजियाबाद प्रशासन को लेकर, तो गाजियाबाद प्रशासन लगातार जगह जगह छिड़काव तो करा रहा है, लेकिन वो सिर्फ VIP एरिया में हो रहे हैं। अगर लोनी इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, जहाँ सबसे ज्यादा AQI है, वहां पर जो जल छिड़काव है वो ना के बराबर है। इसके अलावा वसुंधरा में काम हो रहा है, लेकिन संजय नगर की अगर बात की जाए तो वहां भी ना के बराबर ही ये नामात्र काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, यानी कि आम जनता को जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से आम जनता के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी। भूपेश, देखिए, जिस तरह से गाजियाबाद की जो तस्वीर है वो लगातार जितेंद्र दिखा रहे हैं, अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में सबसे प्रदूषित इलाका भी कौन सा है? देखिए, अगर मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो नोएडा में जो इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है तो सबसे ज्यादा प्रदूषित एरिया वो है। ग्रेटर नोएडा में भी सूरजपुर की तरफ अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ पर कंपनियां हैं, वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से काफी कंपनियों को हिदायत भी दी गई थी, क्योंकि टायर जलाने से लेकर कोयला जलाने तक के लिए रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो पॉल्यूशन है वो कम नहीं हुआ है। हालांकि जो हमने बात करी कि प्राधिकरण की तरफ से 38 से ज्यादा जो टीम है वो लगाई गई थी और टैंकरों को लगाया गया था कि आप लोग जगह जगह पर जाकर के पानी का छिड़काव करेंगे। ग्रेनो वेस्ट में सबसे ज्यादा पानी का छिड़काव जगह जगह पर और सड़कों पर किया जा रहा है। इसके अलावा चाहे कोई सेक्टर हो वहां पर भी किया जा रहा है, लेकिन
ये ग्रामीण एरिया है, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो उधर की तरफ प्राधिकरण का ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, अगर आम लोग जो घरों से अपने बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, उन्हें भी तमाम परेशानी होती है, किसी की आंखों में जलन हो रही है तो किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए प्रशासन क्यों कुछ नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए अभी पहले कुछ दिन पहले तो स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं और प्रदूषण अभी जस का तस ऐसे ही बना हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, नोएडा में कुछ दिन पहले ही आदेश जारी हुआ था छुट्टियों का, लेकिन कुछ देर बाद ही उस आदेश को वापस ले लिया गया और ना ही कॉलेज बंद हुए ना ही यूनिवर्सिटी बंद हुई। हालांकि देखिए इससे लोगों को परेशानी तो हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें इतनी समझ नहीं होती है। जो समझदार व्यक्ति है वो मास्क लगा करके बाहर निकल रहा है, लेकिन छोटे बच्चों को अभी इतनी समझदारी नहीं है, तो वो लोग अपने स्कूल जाते हैं, चाहे प्ले स्कूल हो छोटी क्लासों के बच्चे हो, उनके लिए प्रशासन की तरफ से ना तो कोई छुट्टी के आदेश हुए ना ही प्रशासन उनकी तरफ ध्यान दे रहा है। चलिए ठीक है भूपेश, जितेंद्र आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए आज भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि या तो सरकार फैसला ले ले कि स्कूल बंद करने या नहीं करने, वरना हम बंद कर देंगे, तो गाजियाबाद प्रशासन क्या इस पर कुछ फैसला लेगा आगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है तो हो सकता है कि इसमें फैसला लिया जाए, क्योंकि जब बच्चों को पोल्यूशन से दिक्कतें होती हैं तो वो उस दिक्कत को सही से बयां नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चे अक्सर जो है अपनी जो बीमारियां है वो बड़ों से शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते ये बड़ी समस्या है। वही दूसरी ओर गाजियाबाद प्रशासन की अगर बात की जाए, समस्या बच्चों के लिए खड़ी हुई भी है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और ऐसे में समस्याएं लगातार सामने आ रही है। फिलहाल भूपेश और जितेंद्र आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।